अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सा आज ईद का दस्तरखान जो सा है वो सज चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सा है मुर्ग पुलाव, आलू कीमा और चिकन कढ़ाई, सलाद और मतंजन, और यहाँ पर बोतल पड़ी हुई है, और ये है साथ में रायता। तो माशाल्लाह दस्तरखान हम लोगों ने सजा लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज, हम सोचा कि आप लोगों के साथ हम लोग अपनी जो सी है ईद की रूटीन को शेयर करें। पहले हम लोग अपने ब्रेकफास्ट रूटीन को शेयर किए, क्योंकि आपको पता है रवायती जो सा ब्रेकफास्ट यही होता है कि या तो बनाई जाए सवैयाँ, शीर खुरमा, और या तो फेनियाँ। तो हम लोगों ने मतलब फेनियाँ लाई भी थी, वैसे तो सवैयाँ भी थी हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने वो खा ली दूध सवैयाँ। और उसके बाद माशाल्लाह मम्मा ने आज बहुत काम किया, तो मम्मा के इस चीज़ का रिवार्ड भी मिलना चाहिए। मम्मा मिलना चाहिए आपको रिवार्ड इस चीज़ का? नहीं बेटा, वो तो कोई नहीं, रोज़ाना काम करते हैं। अच्छा, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो हमारा दस्तरखान सजा है, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतनी सारी नेमतें अता की हैं, हमें नवाजा है नेमतों से। उसके बाद जो सारी मतलब इन नेमतों को अल्लाह ने दे दिया, लेकिन बनाने का जो अमलो दखल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मा का है। और मम्मा ने इतनी मेहनत की है, अनथक मेहनत की है, और इतने सारे खाने माशाल्लाह उन्होंने अकेले ही दस्तरखान सजते रहे ऐसे ही, आमीन, अल्लाह ताला रिज़्क दे सबको, तैयार किए हैं और बहुत ही मज़ेदार से खाने तैयार हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको खा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घर में क्या क्या तैयारियाँ कर रही हैं, क्या क्या आप लोगों ने बनाया है, कुछ ईद के हवाले से कुछ स्पेशल है आप लोगों का, मतलब कोई चीज़ बनती हो, जैसे कि हमारे एक नेबर हैं, तो मैं वो आप बताओ का जो आप बात कर रहे थे, वो पकौड़े बनाते हैं, मतलब हम कहते हैं हम तो रमज़ान में पूरा पहले भी कि वो पकोड़े बनाते हैं, वो कहते हैं हम लोग पकोड़े खाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। तो हाँ, मतलब हर घर में कोई ना कोई मतलब होती है स्पेशलिटी या कोई ऐसी यूनिक चीज़, जैसे कि पकोड़े अगर हम बात करें कि पूरे रमज़ान में तो हम लोग ओवरऑल पकोड़े बनाते ही हैं, तो फिर ईद वाले दिन, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सरप्राइज़ किया ये बात से कि हाँ जी हम लोग मतलब ईद वाले दिन भी पकोड़े हमारे घर स्पेशल बनते हैं। तो हम लोगों ने ये खाना सारा तैयार किया है, तो अब हम इसको खा रहे हैं। गर्मा गर्म जो सी रोटियाँ वो भी आ रही हैं, रोटियाँ भी हम लोगों ने मंगवाई हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया। तो मम्मा अब हम लोग शुरू करें खाना? हाँ जी बेटा, आप भी कुछ बोल लें, आपने तो आज इतना काम किया और अभी भी आप काम ही कर रही हैं। नहीं बेटा, बच्चों को डाल के तो देना ना खाना, कोई बात नहीं, ऐसे ही अल्लाह ताला रिज़्क दे, पकाने से तो कोई नहीं डरता। बिल्कुल, आमीन, कोई नहीं, अल्लाह ताला ऐसे दस्तरखान हम सब के सजे रहे, आमीन। बहुत बहुत सबको ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से हमारी YouTube फैमिली को ईद मुबारक। आप और हमारी तारीफ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बहन भाइयों का जो मेरी वीडियो देख के मेरी तारीफ करते हैं। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और इतनी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। तो मम्मा आप अपने व्यूअर से इजाज़त ले लें। हाँ जी ठीक है व्यूअर, तो छोटा सा हमारा व्लॉग था जो ईद स्पेशल है, ईद का आज हम लोगों ने जो खाना तैयार किया वो आपके साथ शेयर किया है। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह हमें याद रखें। हाँ, एक नई रेसिपी लेकर, एक नया व्लॉग लेकर, ईद की जो से नई नई रेसिपीज वो भी आती रहेंगी, व्लॉग्स भी आते रहेंगे, हमें दुआ में याद रखिएगा। आपको भी जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और हमें भी दे, अगली ईद पे भी इंशाल्लाह हम सब बहन भाई साथ होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हमारे नमाज रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल करे। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।